नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री तीन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं हमारे सहयोगी सिमरनजीत सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमरनजीत सिंह, कल मुख्यमंत्री शाहजहांपुर पहुँच रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं और किस किस जगह मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, जरा विस्तार से बताइए। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि विशाल जनसभा होगी, तैयारियां उसको लेकर की जा रही है। बहुत बड़ा यहां पर पंडाल बनाया गया, यहां पर कुर्सियाँ लगाई गई, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुँचने की उम्मीद है मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहले जलालाबाद पहुँचेंगे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ के आवास विकास में पहुँचेंगे, यहाँ पर एक अनावरण करेंगे। साथ ही उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुँचेंगे, यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये सामने जो देख पा रहे हैं इस साइड में, ये मंच तैयार किया जा रहा है, यहाँ से मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अभी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यहां पर पहुंचे थे, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा भी अभी यहां पर मौजूद हैं। भाजपा पदाधिकारियों की बात की जाए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बरेली मंडल आयुक्त आर रमेश भी यहां पर पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात की जाए जो सुरक्षा कर्मियों की, यहाँ पर 3 ASP, 11 पुलिस उपाधीक्षक और 3 कंपनी PSC, 500 कांस्टेबल और 12 SHO और 1200 और जवान जो अतिरिक्त इसके अलावा यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। भारी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा, उसके बाद में जो उनका रोड है यहाँ से उनका काफिला गुजरेगा, उसको लेकर भी पूरी यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। पूरे रोड को जो है वहाँ पर कल बंद रहेगा, ये SP का कहना है, SP एस आनंद का कहना है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा, उस रोड को सुरक्षा की दृष्टि से उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, वो बाज़ार बंद रहेंगे यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा। वहीं बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने की, तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो होटल और ढाबे जो हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है और जितने भी, उनका कहना है कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। खैर, यहां पर मुख्यमंत्री कल यहां पर पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री कल शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से करेंगे। बड़ा बेसब्री से इंतजार है यहाँ पर लोगों को कि कल मुख्यमंत्री आते तो शाहजहांपुर वासियों को क्या क्या सौगात देते हैं। शुक्रिया सिमरनजीत सिंह, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप वहां बने रहिए हमारे साथ और पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहिए।